शासकीय विद्यालय के टॉपर बच्चों का हुआ सम्मान, 5,000 रुपए नगद पुरस्कार के साथ दिया गया प्रशस्ति पत्र। कामिनी सेवा समिति एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मार्तन स्कूल में हुआ आयोजन। शासकीय विद्यालय में अध्ययनरत करते हुए बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया है। शहरी क्षेत्र के 5 बच्चों को 5,000 रुपए नगद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मार्तन स्कूल में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं कामिनी सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य सहित कामिनी सेवा समिति के संचालक एसके श्रीवास्तव सहित कई समाजसेवी एवं अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष एसके श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 3 वर्षों से निरंतर कामिनी सेवा समिति के द्वारा ऐसे उत्कृष्ट बच्चों का सम्मान किया जाता आ रहा है जिन्होंने शासकीय सुविधाओं के साथ साथ शासकीय विद्यालयों में पढ़ते हुए बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम के दौरान ऐसे उत्कृष्ट छात्रों से विद्यालय के अन्य साथियों को प्रोत्साहित कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें उत्कृष्ट छात्रों ने अपनी सफलता का राज बताते हुए अन्य बच्चों को भी मोटिवेट कर सकें। प्रस्तुत है विनोद श्रीवास्तव एवं एसके श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। स्वर्गीय श्रीमती कामिनी श्रीवास्तव सेवा समिति एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्होंने सरकारी सुविधाओं के साथ साथ सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए उच्चतम अंक प्राप्त किए। ऐसे 5 बच्चे हैं जिन्होंने नगरीय क्षेत्र में इसको प्राप्त किया है। उन प्रत्येक बच्चे को कामिनी श्रीवास्तव सेवा समिति 5,000 रुपये पुरस्कृत कर रही है, उनको प्रमाण पत्र दे रही है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उनको प्रमाण पत्र दे रही है और साथ ही साथ हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि इन बच्चों से प्रेरणा लेकर के जो नीचे बच्चे बैठे हुए हैं जो 11वीं 12वीं 10वीं के हैं वो और आगे मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पुरस्कार को प्राप्त करने का प्रयास करें। यह आयोजन पिछले 3 वर्षों से चल रहा है और हर वर्ष हम उन बच्चों को बुलाते हैं जिन्होंने ऐसा उच्च अंक प्राप्त किया है और उनसे फिर मोटिवेशनल स्पीच दिलाते हैं ताकि जो बच्चों को भी दे सके। उसके सिर्फ शहरी स्तर पर शासकीय विद्यालयों में और उसके जो हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर एस के श्रीवास्तव, आप ही की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उन्हीं की याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। अब आप अगला प्रश्न आपसे कर लीजिए। जैसा कि बताया विनोद जी ने, मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास 4 साल करीब हो गया था, फिर ऐसे दिमाग में आया कुछ ना कुछ उनकी स्मृति में कुछ कार्यक्रम रखा जाए, तो एक समिति बनाई गई श्रीमती स्वर्गीय काम सेवा समिति और उसके तत्वाधान में हम लोग कुछ शैक्षणिक कुछ सोशल अन्य प्रकार की गतिविधियां करते हैं जिसमें एक तो बताया 3 साल से हम लोग पहले 2 बच्चों को देते थे 11,000 जो फर्स्ट और सेकंड आते थे, एक बच्चे एक बच्ची को, लेकिन अब इस बार चूँकि 5 बच्चे हो गए तो इसलिए वो 11,000 को की जगह हम लोगों ने उसको 5,000 5 बच्चों को दे दिया है। और दूसरी चीज़ एक दिव्यांग है विनोद जायसवाल जो जिसको हमने देखा एक बार जब गए थे बाणसागर किसी काम से कि वो गैस सिलेंडर सप्लाई करता घर घर में और बड़ी मुश्किल से और उसको पैरालाइज्ड है, चोट लग गई थी उसके ऊपर से गिरा था, तो उसको हम एक ट्राइसिकल दे रहे हैं यहाँ से समाज की तरफ भी सिर्फ स्वर्गीय कार्मिक सेवा समिति की ओर से वो ट्राइसिकल उसको दी जा रही है और वो इसलिए कि वो अपनी मेहनत से कमाई से ये काम कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है दिव्यांग होते हुए भी, लेकिन चूंकि मेहनत कर रहा है इसलिए हम उसको सम्मानित करने का और ट्राइसिकल दे रहे हैं।